being here. With this respect, that our media fraternity, all the police personnel, and you all, my dear brothers and sisters. तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर हम लोग क्यों इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर हम लोग का कोई दूसरा मोटिव नहीं है, दूसरा एक्स्ट्रा कोई कुछ कारवा नहीं है। आप सभी को आज मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग एक स्टूडेंट है। नेदर वी आर बिलोंग फ्रॉम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेदर वी हैव ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड। हमारे साथ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके द्वारा हम लोग इधर उधर बात को घुमा करेगा। ना तो हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को साथ देगा वो करो बोलना है। हम लोग एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। तो आज यहाँ पर मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डीपीसी कमक, द स्टूडेंट ऑफ डीपीसी कमक आर कंपेल्ड टू कम ऑन द ग्राउंड। आज हम लोग को ग्राउंड पर आने का मजबूर क्या है, वो क्या कारण है, उसका क्या राज है, आप सभी जितना भी आया है आगे जानना है। तो फर्स्टली और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डीपीसी कमक में क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, जोर से बोले, हम लोग डीपीसी कमक में क्या जरूरी है, यही है। ना तो डीपीसी कमक में हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बिल्डिंग चाहिए, ना तो कुछ डेवलपमेंट चाहिए, ना तो कहीं से सुंदर सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में चाहिए, वही है। हम लोग को कौन कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए बोलने से, we are in a very problem in a commerce department, my dear student friends। आप सभी यहाँ पर आया है तो जान के चलना है यहाँ से कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्या हुआ है कि हमारे डीपीसी काम क्यों जो है 2021 में लास्ट रिसेंटली ये सिल्वर जुबली का ईयर भी था, ये 1996 में स्टैब्लिश हुआ वाला, ये 25 इयर्स हो चुका है, लेकिन भी एजुकेशन का क्वालिटी क्या है यहाँ पर पढ़ाने वाला अगर नहीं होगा तो उसका क्वालिटी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेगा ये स्टूडेंट लोग से। कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर ओनली सिर्फ और सिर्फ दो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जबकि पढ़ाने के लिए कितना सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट है उसमें कितना हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसको गवर्नमेंट भी जानना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए किताब हम लोग को ये 12 है, लेकिन पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से दिया है 2, ऐसे कभी होता है क्या, ऐसे कभी होना चाहिए क्या, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आया है। दो प्रोफेसर जो है वो रोबोट नहीं है, हर दिन एक एक टीचर जो है एक छह सब्जेक्ट पढ़ा सके, इतना ताकता है, दे टू आर ए ह्यूमन बींग, वो भी एक इंसान है, उसे क्यों इतना बोझ देगा गवर्नमेंट जो है। और हम लोग इतना हम लोग गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख चुका है, इतना गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट किया है, अभी हम लोग जो भी आज करेगा दोबारा गवर्नमेंट से ये बिल्कुल बात रिप्लाई नहीं सुनेगा कि प्रोसेसिंग वर्ड जो है पहले से सुनते आ रहा है, कर रहे तो अभी तक क्यों नहीं आए, अभी नहीं करेगा बोलने से डायरेक्ट नहीं करेगा बोलना है, करेगा बोलने से डायरेक्ट करेगा बोलना है, प्रोसेसिंग वर्ड हम लोग दोबारा नहीं सुनेगा, हम लोग दोबारा ये वर्ड नहीं सुनेगा, क्या वर्ड नहीं सुनेगा, प्रोसेसिंग वर्ड हम लोग बिल्कुल नहीं सुनेगा ना, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये जो आज हम लोग यहाँ पर आया है तो नॉट ओनली बोर्ड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, हम लोग का हिंदी टीचर कितना है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में कितना है, देखिए हिंदी में भी 2 प्रोफेसर सिर्फ असिस्टेंट, हाँ मानता है असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग को एक गेस्ट फैकल्टी में दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग को 3 महीना के लिए गवर्नमेंट से दिया गया था, वो 3 महीना कब खत्म हो गया बोलने से, दिसंबर को खत्म हो गया, कब खत्म हो गया, तो आज की कौन सा मंथ है, देखिए दिसंबर को खत्म हो गया, जनवरी फरवरी अभी चल रहे, वी आर वेरी लकी नाउ दैट हम लोग का बीच पर एक ऐसा गेस्ट फैकल्टी मिला है कि जो आज भी हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम खुद पढ़ा रहा है, क्योंकि वो कॉलेज का प्रॉब्लम को जानता है, अगर वो फिर से चला गया तो यहाँ पे कौन पढ़ाएगा, ये प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग का एक गेस्ट फैकल्टी जो है जिसका गवर्नमेंट का तरफ से 3 महीना दिया था वो दिसंबर में कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग का साथ में अभी एक्स्ट्रा से पढ़ा रहा है, ये ऐसे कभी होता है क्या, गवर्नमेंट कॉलेज में अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा होना चाहिए क्या, ये किसका गलती है, किसका गलती है, ये गवर्नमेंट का गलती है, ये कौन सा अथॉरिटी का गलती है,
हम लोग खुद ये स्टूडेंट जो है खुद गवर्नमेंट नहीं है कि टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होने से हम लोग खुद लाएगा। हम लोग तो एक स्टूडेंट है और हम लोग को ये गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है और हम लोग को प्रोफेसर प्रोवाइड करना। हम लोग एजुकेशन दे देंगे थक चुका है और हम लोग का इकोनॉमिक में भी कम है, हिस्ट्री में भी कम है। तो आज जो भी और जैसे भी हम लोग जितना भी सीखेगा अपना राइट के लिए मांग रहा है यहाँ और जितना भी फाइनल है आप सभी से भी हम अपील करता है। हम और आप तो इस बार 3-4 महीने के बाद निकल जाएगा लेकिन ऐसे ही अगर कॉलेज रहते रहेगा तो हम लोग का भाई और बहन कैसे होगा। बीबीसी कंट्री में क्या हो रहा है, क्वांटिटी होने से भी क्वालिटी गायब हो रहा है। ये गायब क्यों हो रहा है बोलने से गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को सफिशियंट जो है प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी के सामने एक स्टूडेंट जो कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम मिलने का, वो हम ये कॉमर्स डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो कि कॉमर्स का कैप्टन है, उन सभी से हम सब एक बात सुनेगा वो लोग प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम मिल रहा है। जो प्रॉब्लम मिल रहा है वही एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आई लाइक टू कॉल अपॉन ऑन स्टेज मिस्टर मोगल खरगा द कैप्टन ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट टू शेयर योर प्रॉब्लम विद फ्रेंड्स। थैंक यू। I'm very thankful to the student community, yes, Karpo Yongam ji, for initiating this action. I am Mogo Kharga. On behalf of commerce student, I would like to share my problem. First of all, I thankful to the president and all the students who are present here today. I am thankful each one of you. Commerce student, commerce department, don't you for... Donipali Government College, Kamki, Commerce Department will always face a problem of shortage of teachers. From years, our Commerce Department are run by three faculties. Despite of that, our three faculties somehow managed and able to complete our all syllabus and run the department smoothly. But what had happened at the beginning of this session, this semester, our head of department itself, Dr. Tashish Chauhan Sirji, got transferred. In replacement of him, in place of him, the government are failed to provide teachers. Whereas our leader, Karpo Yongam Ji, General Secretary, and representatives of Donipolo Government College, Kamke, somehow, representatives, they were submit many applications to the higher authority, but so far no response from higher authorities. Our parents send us to school, to the college, not for protest, not to against any institution, but we are here today. This is the failure of the higher authority, nothing but the failure of the higher authority. Suppose you all, we all know, commerce department. Department have 12 subjects, second semester, fourth semester, and sixth semester, including numericals paper, practical paper in sixth semester. Then just think, is it possible? Is it possible to run department with two faculties? No! I would like to mention through the media, if the government are not provide a quality education toward us, then they should bear the unemployment problem in future. These higher authorities should bear the unemployment problem in future. They should bear, because how can we compete others, those who attend class regularly? Though we, our teachers are trying, they try their best. Two teachers, faculties are trying their best. But how can they feel exhausted, they feel tired, and we students feel their pain? So I would like to mention this point that they should, if they fail to provide quality education toward us, then they should bear the unemployment problem in future. I would like to mention this point and to the concerned authorities of our state, our area also. We are the future of our area, and if they fail to provide a good quality of education, then how can we compete other? How can we compete the other? From students from other institutions. So I request everyone to participate in it. And thank you for coming here today. That's all. Thank you, Mr. Mogar.
तो सभी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम को यहाँ पर अभी शेयर करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखा रहा है प्रैक्टिकली यू हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लम शेयर भाई मत में मुंह लगा ये प्रॉब्लम बताया है उसके लिए सभी इसको मिलाओ तो अभी हम लोग का इस तरह होगा यहाँ से हम लोग जाएगा यहाँ से हम लोग निकलेगा कोई भी दौर भाग इतना जल्दी बना है और जो भी बात करने के लिए होगा बाद में कंक्लूजन में वहाँ में एडीसी का साइड में भी बात करेगा लेकिन आज सब जो है यहाँ से शांति से निकलेगा कोई भी दौर भाग नहीं करेगा और इनडिसिप्लिन एक्शन कोई भी नहीं दिखाएगा पीसफुली जाएगा हम लोग क्योंकि हम लोग का आज का धरना जो है पीसफुल धरना है ना तो थैंक यू अभी आप लोग श्री मोदी का कुरा इसको जितना से फोटो में आना है और पब्लिक दिखाई देना है आप लोग इतना तेज से भुकेगा भुकने का क्या मतलब है जाएगा ना क्या बेलाराम बेलाराम क्या लड़की में भी आप लोग लड़की आइए वुमेन एम्पावरमेंट We want quality education.
मैक्सिमम 5 फैकल्टीज होना चाहिए और मिनिमम 4, लेकिन हम लोग का यहाँ में 3 फैकल्टीज था। उसमें से भी रिसेंटली एक को हम लोग का HOD को ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसका बदले में जिसको दिया है वो अभी तक नहीं आया है, स्टे ऑर्डर लेके बैठा है, हम लोग ऐसे कहीं से सुना है। उसके बाद 2 टीचर्स 2 फैकल्टीज ओनली हम लोग एक डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता है। आप लोग भी सोच के देखिए, तो हम लोग का 3 सेमिस्टर्स होता है, उसमें 12 सब्जेक्ट्स होता है, तो पर डे एवरी डे जो हर एक टीचर को 6 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तो वो बहुत टफ होता है। उसके बाद अगर वो लोग ऐसे कंटिन्यूसली अगर टीचर आते रहें, स्टूडेंट का तरफ से भी एक मेंटली भी एक कंटिन्यूसली टीचर को भी देखते रहना, वो भी एक बोर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग थक जाने के बाद क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर लोग बहुत थका हुआ होता है, तो वो लोग को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग फिजिकली भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि ये हम लोग गवर्नमेंट को यही पहुंचाना था कि हम लोग का हमें शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज जैसे हम बैनर में लगाया गया है, तो जैसे भी करके एटलीस्ट 2 फैकल्टीज ना डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में अभी मेन हम लोग, अगर ऐसे नहीं हुआ तो अभी जो फाइनल ईयर है वो लोग निकल जाएंगे, लेकिन जो अभी 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में है वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, दूसरा कॉलेज में भी रिफ़र किया जाएगा। इसीलिए इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ फैकल्टीज वही रिक्वेस्ट था हम लोग के लिए। थैंक यू। तो आपका नाम और आप कितना सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? माई नेम इज मिस्टर कर चिलेन, परसुइंग बिकम 4th सेमेस्टर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू स्पेस न्यूज एंड आलो न्यूज टुडे। First of all, I would like to introduce myself. Myself, Master Vipak Tassar, 6th semester, Department of Economics. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एजुकेशन गवर्नमेंट से तो हम लोग का भी बहुत लेक है, इकोनॉमिक्स में शॉर्टेज है ना, हम लोग को भी इसमें 3 फैकल्टीज है। तो अभी जो न्यू सिस्टम जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है CBCS सिस्टम ना, तो ये बार मतलब हम लोग का भी अभी शॉर्टेज होने जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में फिर से पर सेमिस्टर लोग आएगा, वो लोग फिर से अनदर इंक्रीज हो जाएगा ना सब्जेक्ट के टीचर लोग के लिए, तो इसके लिए हम लोग का टीचर के लिए भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा। वो लोग 12 ये सब्जेक्ट को वो लोग कवर नहीं हो पाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग का भी बहुत शॉर्टेज है लेक्चरर जो ना, तो उसके लिए हम लोग का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी जरूरी है। तो इसके लिए हम भी एजुकेशन मिनिस्टर से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके हम लोग का भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में बहुत लेगा ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का टीचर लोग को भी, उसके लिए वो लोग को एक लेक्चर एटलीस्ट प्रोवाइड करने से हम लोग के लिए ठीक होगा ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे ये से ना, वही है। आज का ये जो आप लोग ने जो पीसफुल धरना जो स्टेज किया, एक्चुअली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट देन आपने जो कर रहा है वो सही है और आपका जो मुद्दा है टोटली आई एम एग्रीड विद डैट, बिकॉज कोई लेक्चरर नहीं होगा और टीचर नहीं होगा, कॉलेज और ये स्कूल का मीनिंग ही नहीं बनता है। तो जहाँ लेक्चरर नहीं है एडमिशन लेके भी क्या करेगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम ऐसे जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है, तो मीनिंग ही नहीं बनता है कॉलेज में एडमिशन लेने का और ये होने का। कंसर्न जो है वेरी जेन्युइन, आई एम टोटली एग्रीड विद योर कंसर्न। मैंने आपका जो प्रिंसिपल बोरांग से भी डिस्कस किया शॉर्ट वेल एगो, उनका कहना भी है कि ही इज़ ऑल्सो इन टच विद द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, तो डायरेक्टर ने भी एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी कुछ जहाँ तक पॉसिबल है कुछ लेक्चरर देने के बाद डायरेक्टर ने एश्योरेंस दिया, फाइल इज अंडर प्रोसेस। और जो बाकी जो है जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम माय साइड, भले ही आज आपने जो मेमोरेंडम लेके नहीं आया, फिर भी मैं अपने तरफ से मैं डाटा क्या क्या डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोफेसर का जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपका जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर से मैंने ले लिया कमरा में, तो इसके हिसाब से मैं फ्रॉम माय साइड बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हियर, तो मैं बनता है कि मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा यहाँ इलाका में कॉलेज हो स्कूल हो कोई भी गवर्नमेंट का विभाग हो वो सही चले, दैट इज़ ऑल्सो माई कंसर्न। ऐसा मैंने भी ये तय कर लिया कि मैं अपने तरफ से भी आज ही डायरेक्टर हायर एजुकेशन को आप लोग का मुद्दा को थोड़ा
मैसेज के WT मैसेज के जरिए मैं प्लस करूँगा, जरूर करूँगा। मैं अपना तरफ से ऐसे एसओएस देता है। और बाकी जो है अपने यहाँ के लोकल हॉनरेबल जो है, मैं उनको भी ब्रीफिंग करूँगा। आपका जो मांगे है ये जेन्युइन बिल्कुल है। मैं इनको भी अपना तरफ से बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हियर, आई विल ऑल्सो फ्लैश अ रिक्वेस्ट टू माई ऑनरेबल MLA ऑल्सो टू इनिशिएट अ नेसेसरी स्टाफ सो दैट आवर कॉलेज दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज काम की जो इसका लेक्चरर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाए। तो इसलिए मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आप कल का भविष्य है, बींग ए फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। आप जो आज आपने अपना मुद्दा लेके, आपका फ्यूचर को लेके आपने मुद्दा उठाया, ये सही है। फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करेगा, अभी जो है गवर्नमेंट का हिसाब से कोरोना का भी ये है, आप सब ने तो मास्क भी नहीं लिया। मैं चाहता हूँ कि बींग इन कॉलेज यू आर सपोज टू गाइड आवर पीपल ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो SOP जो जारी किया है यू आर सपोज टू फॉलो इट। यू कैन नॉट ब्लाइंडली, मतलब इसको ये नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका माध्यम से ये जो मैसेज जो है हर जगह में फैलाए, अपने गांव में फैलाए, अपने भाई बहन अपने माँ बाप को फैलाए कोरोना का बारे में। तो बिल्कुल इसको आप अमल भी करना है, तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा कीजिए। कुछ और प्रॉब्लम होने से ज़रूर आइए, ऑलवेज माई ऑफिस इज ओपन फॉर यू, कोई भी इश्यू को डिस्कस करने के लिए, कोई भी मुद्दा को डिस्कस करने के लिए। और मैं आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट करेगा, जो जनरल सेक्रेटरी है, जो आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर से आपसे भी रिक्वेस्ट करेगा, जो रेंट में बैठा है सही में बैठे। मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है यहाँ का रेंट जो है, जो रेंट दे के बैठा है और ले के बैठा है, इसमें कोई नियम कुछ है नहीं, मनमर्जी है। कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। मैं इसलिए अभी जो रेंट जितना एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट से मैं बात किया है, हमको लिस्ट चाहिए कौन कौन रेंट देता है, अपना बिल्डिंग को रेंट आउट करता है स्टूडेंट को। क्योंकि कम से कम रेंट अगर आप देता है, आपसे फी चार्ज करता है, ये रेंट ओनर का, बिल्डिंग ओनर का जिम्मेदारी भी बनता है, आपका वेलफेयर को भी देखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, फी लेता है, आपको अपने हाल में छोड़ देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको भी रेगुलेट करें, टाइमिंग हो, प्रॉपर वे में मैनेज हो रेंट जो है, ये आपके लिए, फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर फ्यूचर। तो इसलिए मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा, रेंट में बैठो, कहीं भी बैठो, बींग ए स्टूडेंट सोसाइटी को लीड करना है, जो जानकारी नहीं होता है इसको भी समझाना है, कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी ये होने से भी उसको भी लोगों को बताना है, अपने माँ बाप को बताना है। तो आज चाहता हूँ कि मैं आपको, मैं पर्सनली, क्योंकि यहाँ जो लेक्चरर पोस्टिंग के बारे में मैं ये नहीं एश्योर दे सकता है कि मैं कल ला दूंगा आपको, लेकिन मैं इसको आपके ग्रीवेंस जो है ज़रूर हायर अथॉरिटी जैसे भी पहुँचाऊँगा अपने माध्यम से। तो मैं इस एश्योरेंस के साथ आप सभी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप वापस जाके अपना कैंपस में, अपना ये में रेंट में, अपना हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, और अपना भी ख्याल रखो, दूसरा का भी ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रेस्पॉन्स। तो बताना चाहूँगा यहाँ में जितने भी पुलिस पर्सनल, पब्लिक और ADC सर हमारे बैठे हुए यहाँ पर खड़ा है हमारे साथ, तो आज का हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, हम लोग यहाँ पर पीसफुली क्या हो कर चुका है। हम लोग वहाँ से कॉलेज कैंपस से लेके वहाँ से हम लोग फुट मार्च पैदल से देगो चल के वहाँ से फिर से कम्बा आके वहाँ से ADC यहाँ पर आया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही अपना दुख को दिखाने के लिए, अपना मीडिया प्रतिनिधि को भी बताने का कारण यही है कि आजकल का जमाना, हम ये उम्मीद करता है कि और ये विश्वास रखता है कि आजकल के जमाने जो रिमोट एरिया पर है, जो गरीबी है, वो लोग का आवाज सिर्फ और सिर्फ मीडिया प्रतिनिधि है। उसके लिए मैं मीडिया प्रतिनिधि को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी एक जोरदार साथ ताली दीजिएगा हमारे बुराई को यहाँ पर आ देके हमारे हमको सभी को साथ देने के लिए। उम्मीद है आज के हमारे ये प्रोटेस्ट जो है बेकार में नहीं जाएगा, और ये वहां से हम लोग पैदल चल के आने का भी ADC सर यही एक कारण है कि हम लोग पब्लिक को भी बताना चाहता है हम लोग का दुख और दर्द क्या है। हम लोग का यहाँ से एक MLA भी है और दो कम्बा सर्कल में JPM भी है,
हमारे यहाँ पर बहुत सा पब्लिक लीडर भी है, उन सभी का सो भी हम लोग बताना चाहूंगा कि थ्रू दिस चैनल हमारे डिपार्टमेंट में कांकी कॉलेज में ऐसे होता है कि जब भी वहां से ट्रांसफर होता है ईटानगर साइड से होता है कभी आता नहीं है, स्टे ऑर्डर लेके वहीं पर भेज जाता है। लेकिन क्या है कि जब भी यहाँ से ट्रांसफर का ऑर्डर उल्टा यहाँ से जाता है तो यहाँ से रिलीज किया जाता है, उसमें कोई भी पब्लिक ये बोलने नहीं आता है कि ये इसको यहाँ से आदमी को टीचर को जाने नहीं देगा जब तक वहां से नहीं आएगा, तो ये कोई भी आवाज नहीं उठाता। यही कारण है कि हमारा हर साल एवरी ईयर एक एक टीचर चलते चलते आज हम लोग फाइनली ये नतीजे पर आ चुका है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में 12 सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाने में हमारे यहाँ पर ओनली 2 टीचर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये हम लोग बीइंग इंटेलेक्चुअल खुद को मालूम है कि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है रोबोट नहीं है कि वो एक दिन में 6-6 सब्जेक्ट पढ़ा सके, वो तो कोई मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम लोग भी उसका थकान महसूस कर सकता है। और वेरस हिंदी का इस प्रकार है कि पहले से हिंदी 2 टीचर है, ऐसे होकर गवर्नमेंट का तरफ से एक हम लोग को गेस फैकल्टी दिया गया था, वो गेस्ट फैकल्टी का टेन्योर जो है दिसंबर को खत्म हो गया, इसके बाद अभी दोबारा गेस्ट फैकल्टी नहीं है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जिस आदमी को जिस असिस्टेंट प्रोफेसर को गेस्ट फैकल्टी दिया है वो आज भी हमें पढ़ाता है वॉलंटियरली खुद ब खुद, क्योंकि उसको प्रॉब्लम मालूम है, वो फिर से यहाँ से चला गया तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम किस हाल में हो गई है। और साथ ही साथ हिस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक में भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग आज यहाँ पर आके कॉलेज का हम लोग डेवलपमेंट एक्स्ट्रा डेवलपमेंट फाइनेंशियल ये सब कुछ भी डिमांड करने नहीं आया है, पहले भी हम बता चुका है वी आर नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बात को इधर उधर घुमा के बात करें वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हमारे कोई भी पॉलिटिकल साथ देने वाला नहीं है ताकि हम बात को घुमा फिरा कर बोल सके। वी आर बींग ए इंटेलेक्चुअल बींग ए प्रेशर ग्रुप ऑफ डीपीसी कामकी, वी आर टुडे केम हियर ओनली टू स्पीक अबाउट द लेक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीपीसी कामकी, एंड आई डू बिलीव थ्रू दिस सोशल मीडिया इट विल रियली अफेक्ट द डायरेक्टर एज वेल एज द पब्लिक, पब्लिक भी यहाँ पे आके साथ देना है। क्योंकि आपको हम इंटरेस्टिंग एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रोफेसर को वहां से ट्रांसफर का ऑर्डर देता है आप सभी को जानकर कुछ शौक भी लगेगा, वो कोई और नहीं हमारा ही एरिया से प्रोफेसर को यहाँ में वहां से भेजता है। ये चीज को मैं बहुत दुखित से आप सभी को थ्रू दिस चैनल से बताना चाहूंगा कि हम लोग का यहाँ का आदमी को ही वहां से प्रोफेसर ट्रांसफर करता है तो वो लोग स्टे ऑर्डर लेके भेजता है। आज यहाँ पर मैं नाम तो मेंशन करना नहीं चाहूंगा कल को जाके, लेकिन ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे हम सभी को आपका नाम लेके यहाँ पर प्रोटेस्ट आपका इंडिविजुअल में प्रोटेस्ट करने देना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जिस एरिया से आया है उस एरिया को अगर आप पढ़ाने में नहीं है अब यहाँ से गया है तो यहाँ से अभी जितना स्टूडेंट है कोई ना सब तो आपका भाई और बहन होगा, आपका रिलेटिव होगा, आपका बच्चा होगा, वही बच्चा को आप अगर प्रॉब्लम है कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है जानते हुए भी नहीं आने मन का क्या कारण हो सकता है। अपना ज्ञान यहाँ का एरिया का लोग तो आपको समझता है प्रोफेसर बन गया तो बहुत अच्छा है हमारा एरिया से निकला है, लेकिन अपना ज्ञान को हमारे डीपीसी कंक्यूमर आप वापस आके अपना ज्ञान को अपना बच्चा का साथ अपना भाई का साथ अपना बहन का साथ शेयर करना नहीं चाहता है तो आपका ज्ञान को क्या मतलब है। क्योंकि जो डीपीसी कंपनी में आज पढ़ रहा है वही ये एरिया को कल को सोसाइटी को लीड करेगा। अगर आपका ज्ञान को आप ये सोसाइटी का फ्यूचर बिल्डर को शेयर करना नहीं चाहता है तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत दुखद का बात है। और जो कोई भी यहाँ पर आने में नहीं है मैं पब्लिक से अपील करना चाहूंगा आप लोग डिस्कस कीजिए, आप लोग पूछताछ कीजिए यहाँ का पब्लिक मीटिंग में क्यों आने में नहीं है, कौन नहीं चाहता है आजकल का जमाने में मॉडर्न स्पेशलिटी में कौन नहीं चाहता है। अगर कोई ईटानगर में सिर्फ बेटेगा बोलने से दूसरा हम लोग जैसे डीपीसी कंपनी वाला जो कि बोरदार से करीब है जो कि बस्ती में बेटा हुआ जहां पर नेत्रों खराब है जहां पर सड़कें खराब है कौन पढ़ाने आएगा, सब अपना ही एरिया का अपना ही लोग हम लोग को पढ़ाने में नहीं है। हम ईटानगर जैसे में बेटने का इच्छा है बोलने से दूसरा कहाँ से बेट के आएगा। जो आप सभी को बताना चाहूंगा आज कॉमर्स डिपार्टमेंट में हम लोग को जो पढ़ा रहा है वो दोनों तवांग से है, आप लोग सोच के देखें बोमदिला तवांग से है, इतना दूर से आके हम लोग का यहाँ पर 8-9 years से हम लोग को पढ़ा के बैठ रहा है, हम लोग का यहाँ का आदमी आने में नहीं है बोलते, इसका क्या कारण हो सकता है। या हम लोग डायरेक्टर अगर ये डायरेक्टर का भी यहाँ पे एजुकेशन कमिश्नर का भी यहाँ पर बहुत वीकनेस दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग का वो डिपार्टमेंट से अगर ट्रांसफर ऑर्डर निकल गया है तो
अगर वो प्रोफेसर जिस किसी को भी आप ट्रांसफर ऑर्डर ऑफिस से निकल गया है तो वो अगर नहीं जा रहा है तो हम लोग उसको क्यों एक्शन नहीं ले सक रहा है। आज से हम लोग डायरेक्टर को भी ये थ्रू दिस मीडिया ये बताना चाहूंगा, आज से ये कभी ऐसे हम लोग का नमूना से ये नहीं दिखाना है कि हाँ हम लोग ये प्रोफेसर को तुम लोग का वहां पर कॉलेज डीपीसी कांकी में रिलीज कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया, बल्कि कभी नहीं दिखाना है। क्योंकि अपना आप कंसर्न अथॉरिटी आप खुद एक वीकनेस दिखाई दे रहा है, खुद ट्रांसफर ऑर्डर देता है लेकिन जब जिसको ट्रांसफर दिया है वो इसने ऑर्डर लेता है तो कुछ भी नहीं बोलता है। अगर अब वो नहीं जाता है तो खुद एक्शन ले सकना है। आज से अगर खुद एक्शन नहीं ले सकेगा बोलने से कभी ट्रांसफर ऑर्डर ये सब एक्टिंग बीटिंग में कभी दिखाना नहीं है। कल को जाके ऐसे हुआ तो दिस इज ओनली ए फर्स्ट स्टेप दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग पीसफुली एंड आई अपील टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द हायर अथॉरिटी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लीज थ्रू दिस चैनल आई लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन फ्रॉम द मेनी डेज, प्लीज डोंट कंपेयर द स्टूडेंट ऑफ डीपीसी कांकु टू मूव इन ए नेक्स्ट स्टेप। अगर हम लोग दोबारा ये स्टेप में जाने करने का मौका मिलेगा ना, ये बहुत सा इतिहास रचा सकता है। क्योंकि दो टीचर से कभी नहीं चलेगा, नियम से कॉलेज डीपीसी कांकी बना के रखा है, कल को जाके साइंस सेमिनार भी आ रहे हैं। इसलिए हम यही बोलेगा कि यहाँ पर बात को रखते हुए प्लीज कंसर्न अथॉरिटी से यही लास्टली रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को उठाने मत दीजिए। हम लोग ये आज प्रोटेस्ट किया है, कुछ दिन तक रुकेगा, उसके बाद हम लोग पेपर से नहीं करेगा, कुछ ना कुछ स्टूडेंट का पावर भी दिखाएगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कल परसों जो हम व्हाट्सएप में देखा था ये प्रोग्राम को, एंड टेकिंग दिस प्रिविलेज मैं गवर्नमेंट से सीधा अपील करना चाहूँगा हमारे गालो समाज के ओर से। आज जो डीपीजीसी कामकी कॉलेज के जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कार्पो योंगम जो कि जनरल सेक्रेटरी है और उसके टीम को जो आज यहाँ में प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ आप चार्टर ऑफ डिमांड को देखने के बाद गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड में क्लियर कट लिखा हुआ है इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ एटलीस्ट टू लेक्चरर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड लेक्चरर इन हिंदी इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो मैं सीधा आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, जो भी ग्रीवेंसेस लेक्चरर शॉर्टेज को लेकर हमारा कांकी कॉलेज के छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उसका ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस कीजिए। और मैं एज ए गालो यूथ प्रेसिडेंट गालो समाज के ओर से भी मैं अपील करता हूँ ये गवर्नमेंट को, आपने 2020-21 को ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर करने का यह मतलब है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नमेंट का पान को एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाला जाएगा बोल के ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर करें। तो ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर करने से आप स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में वो लोग पढ़ते हैं जो मैक्सिमम हमारे फार्मर के बच्चे होते हैं, हमारे एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो आप जब गवर्नमेंट नया नया गवर्नमेंट कॉलेज खुलने का वजह आप जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी खुला हुआ है वहाँ सफिशेंट लेक्चरर दे दीजिए और आप स्टूडेंट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का रेशियो को मिलाकर आप रिक्रूटमेंट कीजिए। हम जहाँ तक सोचने मेरा सोर्स से आया है, हम जहाँ तक सुनने में आया है गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सा लेक्चरर पोस्ट को सेंक्शन करके रखा है लेकिन आज तक उन्होंने रिक्रूटमेंट कभी किया नहीं है। तो मैं समझता हूँ और मैं गवर्नमेंट को सीधा मेरा और एजुकेशन मिनिस्टर को सीधा मेरा अपील जाएगा, आप इसको एड्रेस कीजिए। आज के जो डीपीजीसी कामकी कॉलेज के छात्र जो हमारे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चरर शॉर्टेज होने के वजह से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल अगर उन लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो हम गालो। थैंक यू सर थ्रू योर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज मोग खरगा, आई एम करेंटली परसुइंग बीकॉम सिक्स सेमिस्टर। सर थ्रू योर चैनल आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज दैट
from years now, last, from many years, commerce department, especially from Doni Phol Government College Kamke, faced the problem of shortage of teacher. From last many years, our three faculties somehow managed and ran our department smoothly. But what had happened, at the beginning of this semester, our head of department itself got transferred to Dehradun Government College. But in place of sir, government higher authorities does not provide teachers. We hear that through some sources, they provide, but the teachers in place of sir, they take, government already provide, but they take stay order. And till today, so far, there is no teachers. There are no teachers. Only we have two faculties in our department. And in presence of 12 subjects, practical paper, numerical subject, our teachers are suffering a lot. And this is not only a problem of commerce department. Each department from Doni Phol Government College Kamke faced a problem of shortage of teacher. Like we have history, economics, and history. These all are facing the same problem. And sir, through your channel, I would like to bring, like to mention that if the government failed to provide a good quality of education to us, then there must be an unemployment problem in future. Because we are the future of our area. If they fail to provide a good quality, then how can we compete the others, those who are attend classes regularly? So that's all my promise. Thank you.